राजा, अगर आपकी स्टेट से अगर कोई अगर स्टूडेंट अगर यहाँ सीखने आना चाहे तो क्या बोलेंगे आप उसके लिए? मैं तो सर सबको यही बोलूँगा, जो भी सीखना चाहते हैं, जो भी इसी लाइन पे आना चाहते हैं, वो एशिया टेलीकॉम पी आई उसी पे ज्वाइन करें। उन्होंने अगर बोर्ड पे एक्सप्लेन करिए, समझाइए तो उसको एग्जीक्यूट करके उन्होंने वापस माइक्रोस्कोप पे या टीवी के माध्यम से आपको बताया। अगर कोई अगर आईसी निकालने या लगाने का काम पड़ता है तो आपको इन्वाइट करके करवाते हैं काम सर? जी सर बिल्कुल सर, मैं खुद ना करता है। कैपेसिटर को क्या बोलते हैं अपन, जो आपको सीरीज में मिलता है जितने दोनों तरफ वोल्टेज आते हैं जिसमें? बूट कैपेसिटर। ओके, आप समझ में आ रहा है ना आपको? यस सर, ये है सर वो बूट कैपेसिटर। अभी देव सर के साथ जो चार्जिंग का सेक्शन था उन्होंने काफ़ी अच्छे से मैं प्रैक्टिकल करके भी बताया और थ्योरी के अंदर भी बताया। अच्छा, और अभी हमारी जो क्लास चल रही है उसके अंदर हम खुद प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अच्छा, आज देव सर ने किस चीज़ की घोषणा करी आपको बताइए? डबल डेकर सीपीयू। कौन निकालेगा डबल डेकर सीपीयू बताइए, कौन कौन निकालेगा? सबको एक एक बोर्ड हमारी तरफ से दिया जाएगा, है ना? और साथ में आपको नेट प्रोग्रामिंग भी करवाई जाएगी, आईफोन की नेट प्रोग्रामिंग करवाई जाएगी आपको, ठीक है? कैसा लगा नया अपडेट आपको? आप खुश हैं? Yes, sir. और ये जो हमारी चीज़ थी ये पेड वाली चीज़ थी, पर बाकी देव सर ने आप सारे स्टूडेंट को फ्री किए और साथ में आपको बोर्ड भी प्रोवाइड करवाएंगे सैमसंग का ड्यूअल सीपीयू वाला, ठीक है? और कैसी रही आज क्या चार्जिंग की क्लास आपकी? और उसके बाद कैसा एग्जीक्यूट किया आपने यहाँ पर, उसको समझा कि नहीं समझा? हाँ, क्या क्या विजय आपने आज? आज हमने सर टेस्टिंग की, ओवीपी जो आईसी होती है उसको बाईपास करके। हाँ, बाईपास करके उसको बाईपास किया, और बाईपास करने के बाद आपने पूरा ट्रेसिंग किया, बीक्यू आईसी को पूरा ट्रेस किया आपने, है ना? और साथ में आपको दूसरी आईसी भी बताई थी उसको भी ट्रेस किया आपने, उसका डायग्राम भी बनाया आपने। अभी तक का सफ़र आपको कैसा लग रहा है बताइए? ठीक है, ऑल द बेस्ट। ये हमारी इवनिंग की प्रैक्टिकल क्लास, जैसा आप देख सकते हो क्या नाम है आपका? नीलेश। फ्रॉम कहाँ से? गुजरात। गुजरात से क्या कर रहे हो नीलेश? चार्जिंग का। चार्जिंग का सेक्शन था तुम्हारा? चार्जिंग में जो भी आपको चार्जिंग बताया है अभी क्या कर रहे हो फिलहाल? ओवीपी आईसी का बाईपास। कौन से सेट से? एम आई फाइव है। ओवीपी आईसी को आपने रिमूव करके उसका बाईपास किया आपने। बाईपास करने के बाद हम ओवीपी आईसी को हटा के बाईपास कर सकते हैं, है ना? और साथ में उसके क्या कर रहे थे आप बीक्यू को? क्या कर रहे हैं आप? ओवीपी बाईपास कर रहे हैं चार्जिंग सेक्शन में। चार्जिंग की ओवीपी बाईपास। कौन से सेट से कर रहे हो? फाइव है, रेडमी फाइव है। आप क्या कर रहे हैं सर? फाइव है, 9 बॉल की ट्रेसिंग कर रहा है और बाईपास 9 बॉल। आपने बाईपास किया उसको? यस सर। आसानी से कर लिया आपने? यस। तो इस आईसी को हम हटा के बाईपास कर सकते हैं ना? ये बाईपास किया हुआ है और ये 24 वोल्ट की आईसी तो पूरी ठीक होगा। सर्किट आप बना रहे हो? हाँ, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? ये बोर्ड ट्रेस कर रहा हूँ सर बाईपास के लिए 9 बॉल का। तो आपने ओवीपी को बाईपास किया? जी सर। तो हम ओवीपी आईसी को बाईपास कर सकते हैं? जी सर, कर सकते हैं। सर आप क्या कर रहे हैं? ओवीपी आईसी को बाईपास किया आपने। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल कहाँ से है राहुल? यूपी से। यूपी से क्या कर रहे हैं राहुल आप? जम्पर कर रहे हैं, मतलब बाईपास कर रहे हैं। जम्पर बाईपास किया आपने, कौन सी आईसी को किया? वो ओवीपी आईसी को। ओवीपी आईसी को हम बाईपास कर सकते हैं ना? ठीक। क्या कर रहे हैं आप? जैसा आप देख रहे हैं चार्जिंग का सेक्शन है और ये अपने चार्जिंग पे काम कर रहे हैं। कौन है यार? हाँ सर, ट्रेसिंग कर रहे हैं। कहाँ से हो आप? वेस्ट बंगाल। क्या कर रहे हैं आप? सर ट्रेसिंग कर रहे हैं। जी, किसको ट्रेसिंग कर रहे हैं आप? चार्जिंग आईसी को ट्रेसिंग कर रहे हैं। और ये क्या बनाया आपने? चार्जिंग आईसी। ये चार्जिंग आईसी ऊपर क्या है?
ऊपर ये ओवी है ओवीपी आईसी आईसी ओवीपी आईसी ओवीपी आईसी को क्या क्या आपने जंप कर दिया बाईपास किया बाईपास कर सकते हैं ना ओवीपी आईसी को हाँ जी हाँ सर पुलिस क्या नाम है आपका मेरा नाम सत्य सत्य कहाँ से आप वेस्ट बंगाल से सत्य क्या कर रहे हैं आप सर ट्रेसिंग कर रहा हूँ ट्रेसिंग कर रहे हैं नहीं तो आज का काम क्या था आपने क्या किया नाइन बॉल का आईसी नाइन बॉल का कौन सा आईसी होता है ये ओवीपी ओवीपी आईसी ओवीपी आईसी वो क्या किया आपने ट्रेसिंग करके जंपर किया बाईपास किया उसको हम ओवीपी आईसी को बाईपास कर सकते हैं ना हाँ सर अच्छा और साथ में आप बीपी को ड्राइंग बना रहे हैं ठीक है कैसे काम करता है जी सर हाँ बताइए आप क्या कर रहे हैं जी सर ओवीपी आईसी का बाईपास अच्छा ओवीपी आईसी को बाईपास किया आपने जी थोड़ा बताएंगे आपने जी सर ये बैटरी कनेक्टर है ठीक है और बैटरी कनेक्टर से ये चेक कर रहा था कि ओवीपी आईसी जो भी है नौ बॉल की उस पर करंट आ रहा है कि नहीं और नहीं आ रहा है तो फिर उसमें मतलब जीएनडी को छोड़ के जिस पे जीआर आ रहे हैं और जो बाकी तीन बॉल हैं मतलब ओएल आ रहा है अच्छा तो उन पे बाईपास कर दिए उसके बाद वो चार्जिंग आईसी पे करंट अच्छे से समझ में आई आपको सर्किट आज जो सर ने पढ़ाया आपको समझ में आया चार्जिंग सेक्शन पूरा जी हाँ हाँ जी हाँ जी सर कहाँ से हैं आप मैं जोधपुर राजस्थान से जोधपुर राजस्थान से क्या नाम है आपका विजय प्रजापति विजय क्या कर रहे हैं आप आज सर हमारा चार्जिंग सेक्शन था चार्जिंग सेक्शन पे काम कर रहे हैं अच्छा चार्जिंग सेक्शन पे काम कर रहे हैं वैसे क्या किया है अभी आपने अभी हमने सर ओवीपी आईसी होती है उसको सर बाईपास करके चार्जिंग आईसी का सेक्शन प्रेस कर रहे हैं अच्छा चार्जिंग आईसी का अगर हम आउटपुट में बात करें बीक्यू को तो आउटपुट में बीक्यू में कितना वोल्ट आता है 4.2 वोल्ट है सर हाँ आपको यहाँ पे सीरीज में बूट कैपेसिटर मिला यस सर 10 वोल्ट का बूट कैपेसिटर मिला है वेरी गुड आपने ट्रेस किया ना आपने खुद से ट्रेस किया हमारे साथ एक और स्टूडेंट है क्या नाम है आपका अरुण कुमार कहाँ से बिहार से क्या कर रहे हो अरुण ओवीपी आईसी को बाईपास किया ओवीपी आईसी को बाईपास करने के बाद और क्या कर रहे हैं आप बीक्यू को देख रहे हैं ठीक है आउटपुट में कितना वोल्टेज आता है बीक्यू के 4 वोल्ट ठीक है वेरी गुड नाम बताइए अपना सर मोहित कुमार हाँ जी मोहित कुमार तबीयत खराब है फिर भी टेबलेट खा के बैठे हो आप हैं क्या पढ़ाया आज आपको चार्जिंग सेक्शन था सर चार्जिंग सेक्शन था किसके साथ था देव सर के साथ देव सर के साथ चार्जिंग सेक्शन था अभी आपको अभी आप क्या कर रहे हैं ओवीपी आईसी बाईपास कर रहे हैं ओवीपी आईसी को बाईपास किया आपने बाईपास कर लिया आपने ठीक है क्या नाम है मेरा नाम मनीष कहाँ से हो शहडोल एमपी से शहडोल एमपी से जी सर क्या कर रहे हैं अभी आप सर ओवीपी बाईपास कर रहे हैं ओवीपी आईसी को बाईपास कर रहे हैं जी सर और साथ में और क्या कर रहे हैं आप सर इसकी सप्लाई कहाँ से इनपुट हो रहा है कहाँ से आउटपुट हो रहा है वेरी गुड हाँ जी कहाँ से आप मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से नाम बताएंगे अपना मेरा नाम मोहम्मद शहजाद शहजाद क्या कर रहे हो आप बताइए ओवीपी बाईपास कर ओवीपी को बाईपास किया आपने ठीक है कर लिया आपने क्या कर रहे हैं आप सर ओवीपी को बाईपास सबसे पहले अपना नाम बताइए मोहम्मद अकरम कहाँ से हो मोहम्मद अकरम यूपी से है अमेठी से अकरम क्या कर रहे हैं आप जी डीसी टू डीसी आप ये लाइव हैंडसेट है ना लाइव हैंडसेट पर प्रेस कर रहे हैं जी सर इसको कर दिए हो गया है सर चार्ज हो गया ठीक है सारी ट्रेसिंग खुद अपने आप से कर रहे हैं सर जी सर आपको जो सवेरे की क्लास थी देव सर की चार्जिंग की क्लास पूरी चीज़ समझ में आई है आपको एकदम सर बिल्कुल एकदम अच्छा तो बहुत अच्छा आप ये बताइए मेरे को कितने समय से काम कर रहे थे सर हम लगभग 4 साल हो गया था 4 साल से 4 साल में और अभी 28 तारीख से अभी तक जो तारीख हो रही है 7 या 8 7 तारीख हो रही है 7 तारीख से और अभी में क्या फ़र्क है आपके काम में सर पहले ये आईसी को हम ये जानते ही नहीं थे मतलब कैसे आईसी क्या मतलब रिबॉलिंग कैसे किया जाता है कैसे नहीं किया जाता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी सर अभी यहाँ पे पूरा एमएमसी सीपीयू सब कुछ हम रिबॉल कर सकते हैं उसको लगा भी सकते हैं सर अच्छा तो मोहम्मद अकरम क्या बोलना चाहेंगे अगर यूपी उत्तर प्रदेश से अगर कोई स्टूडेंट अगर एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन करे तो उनके लिए सर वेलकम है बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है सर बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं तो
कोई मतलब ये नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। अगर हम किसी भी चीज़ में आपको फोर्स किया है या फिर कोई चिड़ के सिखाया है आपको या कोई जल्दीबाजी में कोई काम किया है या जो हमारी क्लासेस का टाइम होता है उस क्लासेस के टाइम के अलावा हमने कोई दूसरी बात की है कभी क्या? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। जो काम से और जो जो आप आउटपुट दे रहे हो तो वाकई में जेनुइन आउटपुट है आपका कि आप कोई मतलब वो शर्मा का दे रहे हो या जबरदस्ती? शर्मा के नहीं तो जबरदस्ती दे रहे हैं सर, क्योंकि हम खुद कर रहे हैं तो इसलिए बता रहे हैं आपको जो जो ये किए हैं काम। ठीक ओके थैंक यू वेरी मच। नाम बताइए अपना। मेरा नाम जयदीप बोलवा है। कहाँ से? असम से। असम से जयदीप, ये बताओ मेरे को कि अभी तक का एशिया टेलीकॉम में आपकी जर्नी कैसी रही? बहुत बढ़िया सर, पहले मैं कुछ भी नहीं जानता था, आपको आ गया थे। ठीक है थैंक यू वेरी मच। नाम बताइए अपना। हाँ सर, मैं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से हूँ, त्रिपुरा से हूँ। मेरा नाम राजा घोष है और मैं आईसी का बाईपास किया हूँ जी। और ये आप देख सकते हैं, हालांकि सभी टेस्ट नहीं हुआ, जितने भी टेस्ट हुआ। हाँ अभी आपका काम चल रहा है, अभी टेस्टिंग चल रहा है। जैसा आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट अपने मन से कर रहे हैं, है ना, कोई कोई इनको बता नहीं रहा है, उनको कोई गाइड नहीं कर रहा है। जो कुछ आज दोपहर की क्लास में पढ़ा है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं विथ पीसीबी के साथ में। राजा प्रैक्टिकल मिलता है कि नहीं यहाँ पर? हाँ सर प्रैक्टिकल मिलता है कि नहीं है। बात करें रिबोलिंग की, आईसी की क्लास की, जो देव सर के साथ आपकी जो आपकी दोपहर की क्लास होती है तो उसको एग्जीक्यूट करते हो कि नहीं आप इस क्लास? हाँ सर, देव सर जितना भी प्रैक्टिकल थ्योरी करवाते हैं उनका पूरा पूरी प्रैक्टिकल करवाते हैं शाम को। हाँ और सुबह भी एक बार प्रैक्टिकल। देव सर की क्लास में केवल क्या थ्योरी होती है क्या, कि खाली मतलब उस चीज को प्रैक्टिकल करके बताते कि नहीं आपको? जो भी दिन जिसका थ्योरी होता है उसी टॉपिक में प्रैक्टिकल पूरा मतलब इधर से आपको अगर थ्योरी अगर कोई समझाई है तो उसी का प्रैक्टिकल आपको करके बताते हैं। ठीक है, कैसा लग रहा है अभी आपको यहाँ पर 28 तारीख से अभी तक की बात करें तो? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, पहले उतना बोर्ड के बारे में उतना एक्सपीरियंस नहीं था। अभी आईसी वगैरह, पहले तो आईसी में काम नहीं करता था, आईसी वगैरह बोर्ड को पहचानने में, बोर्ड को ट्रेसिंग करने में, कंपोनेंट वगैरह को पहचानने में बहुत ही अच्छी फीडबैक है इसका, बहुत ही अच्छी फैकल्टी है जो इस फैकल्टी में। अगर आपकी स्टेट से अगर कोई अगर स्टूडेंट अगर यहाँ सीखने आना चाहे तो क्या बोलेंगे आप उसके? मैं तो सर सबको यही बोलूँगा, जो भी सीखना चाहते हैं, जो भी इसी लाइन पे आना चाहते हैं, वो एशिया टेलीकॉम PI उसी पे ज्वाइन करें, क्योंकि इससे ज़्यादा फीडबैक और कहीं नहीं मिलेगा। ओके थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ अनदर स्टूडेंट हैं, नाम बताइए सर आपका। मेरा नाम शहजाद। शहजाद जी सर। शहजाद कहाँ से हो आप? सर मैं यूपी बिजनौर। यूपी बिजनौर से जी सर। शहजाद आज क्या क्या कर रहे हो आप? सर हमने आज OVP बाईपास करना सीखा है। OVP बाईपास जरा थोड़ा सा बताएंगे आप? जंपर लगाया होगा आपने? जी सर जी सर, जैसे आप देख सकते हैं OVP पे इन्होंने जंपरिंग किया है। जी सर। और BQ पढ़ाया था, BQIC के बारे में। BQIC जितना पढ़ाया उसने उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हो आप? सर ये मैंने पढ़ाया। थोड़ा सा आपका थोड़ा वो बताएंगे मुझे, तो जो भी आपने जो अभी तक पढ़ा है उसका आपने यहाँ पर जी सर कॉपी पे वर्क किया है वो वर्क बताएंगे आप जरा? जी सर खोल के बताइए, खोल के बताइए जो जो भी आपने वर्क किया है। ये 20 बॉल है। ठीक है और बताइए। ये चार्जिंग है, 2 बॉल 22 है और OVP 1 बॉल आपकी। ठीक है और सर ये टाइप सी कनेक्टर के बारे में पढ़ा सर हमने आज। हाँ जी। और ये चार्जिंग के वो बताया सर ने, फाल ये फाल आते हैं उनको कैसे से ठीक करना है। ठीक है। एम्पेयर वगैरह और ये फेस्ट चार्जिंग स्लो चार्जिंग स्टार्टिंग से रिलेटेड जितने भी फॉल्ट आते हैं फॉल्ट सारे के सारे बताएं आप। जी सर बिल्कुल, है ना, उसी को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो यहाँ पर, आप इसका प्रैक्टिकल कर रहे हो। अच्छा ये बताओ मेरे को कि अगर देव सर अगर वहाँ पर जो आपको समझाते हैं तो तत्काल देव सर उसका प्रैक्टिकल देते हैं कि नहीं देते? जी बिल्कुल सर, हाँ उसके थोड़ी देर बाद ही, उनकी क्लास के बाद ही प्रैक्टिकल कराते हैं। तो जो चीज़ उन्होंने अगर बोर्ड पे एक्सप्लेन करी है समझाई है तो उसको एग्जीक्यूट करके उन्होंने वापस माइक्रोस्कोप पे या TV के माध्यम से आपको बताया? अगर कोई अगर IC निकालने या लगाने का काम पड़ता है तो आपको इन्वाइट करके करवाते हैं काम सर? जी सर बिल्कुल सर, मैं खुद ना करता है। नाम बताइए आपने। मोहम्मद सोहेल। कहाँ से हो आप? यूपी से सर। यूपी से सोहेल, अभी ये देख सकते हैं जैसे आप ये बोर्नियो में ट्रेस कर रहे हैं और ये बनाया है सर, ये बनाया भी है इन्होंने ये OVP को। आपने बाईपास भी किया है? जी सर बाईपास। सोहेल 28 तारीख से अभी तक का कैसा सफ़र रहा? बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया है, अब तक बहुत कुछ सीखने को मिला है सर, आगे कोई मिलेगा। और क्या कहना चाहेंगे अगर कोई अगर स्टूडेंट आना चाहे तो आपकी तरफ से?
सर, अगर उसको सीखना है ना फुल बिल्कुल अच्छे तरीके से तो यहीं आए, ऐसे डलेगा। देव सर तो ठीक है, बाकी टीचरों का क्या अनुभव है सर? क्या अनुभव रहा आपका सब सभी टीचरों के साथ? सबके बात करें मिलन सर की, बात करें दुर्गेश सर की और बात करें दीपक सर की, सबका व्यवहार सबका एक जैसा ही है सर, सब बहुत अच्छे टीचर हैं। नॉलेज नॉलेज क्या नॉलेज है सबकी एक जैसी। ओके थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? जी विनोद। क्या नाम है? विनोद कुमार सिंह सर। दिनेश कुमार? विनोद कुमार। विनोद कुमार, विनोद कहाँ से हो आप? जी सर यूपी से। यूपी से? जी सर। विनोद बात कर रहे हैं आपसे, तो आज क्या कर रहे हैं आप? सर मैं चार्जिंग सिस्टम का ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन को बाईपास कर रहा था। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का ओवीपी आईसी को आपने बाईपास किया है। बाईपास करने के बाद आपको आज जो सर ने पढ़ाया है उसको आपने प्रैक्टिकल कर रहे हो कि नहीं कर रहे? प्रैक्टिकल कर रहा सर। प्रैक्टिकल कर रहा सर। प्रैक्टिकली कर रहे हो? जी सर। ओके थैंक यू वेरी मच। हाँ जी नमस्कार सर, क्या कर रहे हैं आप? सर आज सर ने चार्जिंग सेक्शन के बारे में पढ़ाया था। चार्जिंग सेक्शन कैसा लगा आपको, पूरा समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल ओके तरीके से आया। ओके तरीके से सर। ओवीपी किसी भी आईसी में, किसी भी बोर्ड में ओवीसी उसको बाईपास करना, किसी भी आईसी को रिप्लेस करना, फेक चार्जिंग, स्लो चार्जिंग या सर डाटा कनेक्ट नहीं होना, हर तरह से चारों तरफ से जो भी फॉल्ट आते हैं उनके बारे में बताया गया। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपकी चार्जिंग आईसी के पास में आपको सीरीज में कौन सा कैपेसिटर मिलेगा उसका नाम बताएंगे आप मेरे को? सीरीज में जो कैपेसिटर मिलेगा एनपीसी मिलेगा सर। हाँ एनपीसी मिलेगा। एनपीसी उस कैपेसिटर को क्या बोलते हैं अपन जो आपको सीरीज में मिलता है, जितने दोनों तरफ वोल्टेज आते हैं जिसमें बूट कैपेसिटर। ओके आप समझ में आ रहा है ना? यस सर। ये है सर वो बूट कैपेसिटर। हाँ बताइए। वेरी ये वाला सर। वेरी हाँ जी नमस्कार सर। हाँ नाम बताइए अपना। अभय कुमार गौतम। अभय कहाँ से हो आप? सर एमपी कटनी। एमपी कटनी से नज़दीक से ही हो आप? यस सर। कैसा सफ़र रहा आपका अभी तक एशिया टेलीकॉम में? बहुत बढ़िया सफ़र था सर। ऑल द बेस्ट। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? देवीलाल डांगी जी। देवीलाल। देवीलाल। देवीलाल कहाँ से हो आप? राजस्थान चित्तौड़। राजस्थान चित्तौड़ से। चित्तौड़ एमपी में आता है, राजस्थान में आता है? नहीं राजस्थान बाउंड्री पे ही है ना एमपी के चित्तौड़। हाँ लगता है वो एमपी जैसे ही लगता है वो चित्तौड़। ठीक है क्या कर रहे हैं आप? लाइट चार्जिंग सेक्शन में पढ़ाया आज। अच्छा तो समझ में आया आपको? जी सर। अभी आप क्या कर रहे हैं? ये है ओवीपी ओवर वोल्टेज। हाँ ओवीपी आईसी को बाईपास कर रहे हैं। वेरी गुड। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार। मुकेश कुमार कहाँ से आओ? राजस्थान। राजस्थान से। आज देव सर के साथ आपका चार्जिंग सेक्शन था, क्या कर रहे हैं आप? अभी देव सर के साथ दो चार्जिंग का सेक्शन था, उन्होंने काफ़ी अच्छे से मैं प्रैक्टिकल करके भी बताया और थ्योरी के अंदर भी बताया। अच्छा और अभी हमारे जो क्लास चल रही है उसके अंदर हम खुद प्रैक्टिकल कर रहे हैं। वेरी गुड। थोड़ा बताएंगे मुझे अपनी कॉपी में ड्राइंग, जो आपने ड्राइंग किया ये चार्जिंग की जो 5-पिन चार्जिंग सर्किट यहाँ पे बनाया है उसके अंदर ये वीबीएस की जो सप्लाई होती है वो पूरा मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि कहाँ से कहाँ तक कौन सी आईसी पे जाती है। यहाँ पे 9 वोल्ट 12 वोल्ट की ओवीपी आईसी दी गई है ये प्रोटेक्शन के लिए, इसको मैं बाईपास भी कर सकता हूँ आसानी से। देव सर ने पढ़ाया, काफ़ी अच्छा पढ़ाया आज। पूरा चार्जिंग आपको समझ में आया कि नहीं आया? जी सर पूरा आ गया एकदम। तो आप क्या बोलेंगे अगर कोई अगर आपके राजस्थान से कोई अगर यहाँ पर नया स्टूडेंट आना चाहे तो? नया स्टूडेंट आना चाहे तो राजस्थान से बिल्कुल एशिया टेलीकॉम ज्वाइन कर सकता है, सबसे बेस्ट यही है। देव सर का जो नॉलेज है वो काफ़ी अच्छा है, इनसे बढ़ कर कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे जो अदर टीचर्स हैं जैसे मिलन सर हैं, आप हैं और दुर्गेश सर हैं, इनका नॉलेज भी काफ़ी अच्छा है। मतलब जितने भी टीचर्स हैं इनका नॉलेज सबसे बेस्ट है। मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि राजस्थान से अगर कोई आना चाहे मतलब कोई ऐसा है कि टाइम पास करने वाला काम? नो नो सर बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक क्लास जो लगती है उसके अंदर बिल्कुल भी टाइम पास नहीं होता। यहाँ पे जो भी बताया जाता है प्रैक्टिकल थ्योरी सब कुछ बताया जाता है। अगर आपकी क्लास भी स्टार्ट होती है तो हम आपको खाने का या अगर कोई अगर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के लिए भी छोड़ते थे, कितनी देर के लिए छोड़ते हैं आपको बताइए? बस टाइम इतना ही मिलता है कि हम खाना खाएं और वापस क्लास के अंदर। कभी कभी तो सर शाम का 4-5 बज जाते हैं खाने के लिए एक दो दिन तो, लेकिन फिर भी मतलब काफ़ी अच्छी क्लास चलती है, फालतू का टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं किया जाता। बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ, हम हर पर डे की क्लास आपको लाइव दिखाएंगे यहाँ पर।
हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, आपको हर क्लास को यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। ओके थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ बोलो इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट को, इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।